Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today our topic of discussion is human heart. Human heart का ये हमने diagram draw किया है. तो human heart के four chambers होते हैं. चार chamber. दो atrium, दो ventricle. जो upper parts होते हैं, ये atrium होते हैं, जिसको auricle भी बोला जाता है. नीचे जो parts हैं, ये ventricles होते हैं. Right atrium, left atrium. Right ventricle, left ventricle. Auricle की जो दीवारें होती हैं, पतले होती हैं. और ventricle की दीवारें ये मोटी होती हैं. सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सुपीरियर वेना के और इंफीरियर वेना के और कोरोनरी साइनस के जरिए राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से फिर ये ट्राइकस्पिड वाल्व्स के जरिए ये आता है राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से फिर ये जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए. ये दो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, तो ये इसके जरिए जाता है लंग्स में. लंग्स में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेंस के जरिए राइट लेफ्ट एट्रियम में आता है. लेफ्ट एट्रियम से फिर ये ब्लड आता है बाइकस्पिड वाल्व के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये जाता है एवोर्टा के जरिए पूरी की पूरी बॉडी में. तो इस तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी की पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सुपीरियर वेना के और इन्फीरियर वेना के वो कलेक्ट करके पूरी बॉडी से कलेक्ट करके एट्रियम के अंदर लाता है, जिसको सफाई के लिए या जिसको ऑक्सीजनेशन के लिए राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए भेजा जाता है. थैंक यू.